अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। तो आज बहुत सहन गर्मी है और इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे का। गर्मी की वजह से किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता और मामा कह रही थी कि लंच के टाइम हम कुछ जल्दी जल्दी वाला खाना बना लेते हैं, तो हमने जल्दी जल्दी ये वाली वेजिटेबल बना ली जिसे तोरी कहते हैं। तो हमने उसे ब्रीक चॉप कर लिया था, जैसे आलू के बड़े बड़े पीस होते हैं ना वैसे। उसके अंदर हमने ऑनियन, 1 टोमेटो और ग्रीन चिलीज डाली थी और मसालों में हमने ऐड किया था सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जो हल्दी होती है वो थोड़ी सी। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने देंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया, बस अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए इस ढक्कन दे के हल्की सी आँच पर रख देंगे। और ये है हमारी कैट, तो ये अपने घर से निकलकर यहाँ आकर बैठ गई है क्योंकि गर्मी काफ़ी सारी है जैसे कि आपको मैंने बताया। तो हमने इसका घर सहन के बाहर रखा हुआ है, घर से बाहर ही, हम इसे ज़्यादा अंदर नहीं आने देते जी। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे। हमने बिल्कुल भी इसे मिक्स नहीं किया था जैसे आप देख रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसे और 5 मिनट्स थोड़ी देर के लिए दम देंगे। इस तरह की वेजिटेबल्स हम काफ़ी कम ही खाते हैं, ना हमारे 2 भाई खाते हैं और ना ही हम इतना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन लंच के टाइम हम खाना पसंद करते हैं और हमें तो ज़्यादा चिकन या छोटा गोश्त या कीमे कबाब ही पसंद है। लेकिन हमें मालूम है कि रात को कुछ और बनेगा, तो हम फिर लंच के टाइम ऐसी चीज़ें खा ही लेते हैं। 5 मिनट के दम के बाद उसमें अपना सारा उसका पानी ख़त्म हो चुका था, तो हमने उसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड किया और कुछ देर के लिए हमने उसे कुक किया। जी तो 5-6 बजे के करीब हमने कहा कि हम जूस बना लेते हैं क्योंकि फ्रूट ना हमसे नहीं खाया जाता। हम पूरी फैमिली ही ज़्यादा जूस पीना पसंद करते हैं। तो ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी मशीन है, हमें काफ़ी इजी हो जाता है जूस बनाना। और हमने जूस में ऐड किया था एप्पल और नाशपाती और थोड़े से ग्रेप्स, तो जूस बहुत ही डिलीशियस बना था। हमने इसके बाद इसमें आइस भी ऐड की थी क्योंकि ज़्यादा ठंडा नहीं था जी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।